अगर आप नोएडा में बड़ा 3 BHK अपार्टमेंट देख रहे हैं तो आपके लिए आज हम बैक टू बैक 5 अपार्टमेंट लाए हैं जो सेल पे अवेलेबल हैं। और आज के हमारे सारे अपार्टमेंट 3 BHK अपार्टमेंट्स हैं और इन सबको एरिया 1500 से लेकर 2000 स्क्वायर फीट के बीच में। तो आज के हमारे सारे 3 BHK सुपर स्पेशियस 3 BHK होने वाले हैं। ये 5 अपार्टमेंट जो सेल पे अवेलेबल है सारे 3 बेडरूम 3 टॉयलेट अपार्टमेंट होने वाले हैं और इवन कुछ तो सर्वेंट और 4 वॉशरूम के साथ आते हैं और कुछ तो फुली फर्निश्ड और कुछ लेविश इंटीरियर के साथ सेल हो रहा है। हमने इन 5 अपार्टमेंट को इनके प्राइस के अकॉर्डिंग अलाइन किया है। सबसे पहले हम अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी देखेंगे, देन उससे कम, देन एक प्रीमियम प्रॉपर्टी, देन अफोर्डेबल, देन मोस्ट अफोर्डेबल प्रॉपर्टी। वीडियो थोड़ी सी फास्ट होगी तो देखिएगा, डिटेल सब कुछ शेयर होगा। नाउ फटाफट चलते हैं अपने फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नाउ हमारी इस लिस्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी 4 मूर्ति के पास आ जाती है 130 मीटर रोड पर, जहां मेट्रो भी प्रपोज है। इसके जस्ट सामने हमारी सोसाइटी आ जाती है, नोएडा एक्सटेंशन की अल्ट्रा प्रीमियम गौर सौंदर्यम सोसाइटी। और इसमें हमारे पास एक बड़ा सा 3 BHK प्लस 7 रूम अपार्टमेंट आया है सेल के लिए विद एक्सीलेंट प्रीमियम इंटीरियर। तो फटाफट अपार्टमेंट को देख लेते हैं। ऐसा 130 मीटर करोड़ गुड़गांव में तो आपको देखने को मिलेगा नहीं, और ना आपको इस बजट में ऐसा अल्ट्रा लग्जरी 3 BHK मिलेगा। एरिया 1990 स्क्वायर फीट, यहाँ पे हमारा 7 रूम का एंट्रेंस रहता है, यहाँ पे हमारा मेन एंट्रेंस, एंड एज वी एंटर हमारे अपार्टमेंट का मैसिव लिविंग एरिया जाता है और वहाँ पर हमारा डाइनिंग एरिया। ओवरऑल लिविंग एरिया में स्पेस काफी बड़े मिल जाता है और इसके साथ वहाँ पर अटैच एक बालकनी मिल जाती है, हमारी फोर्थ बालकनी विच इज 7 फीट वाइड विद ऑल दिस प्लांट्स एंड दिस व्यू। उन्होंने कितना काम करा रखा है आप देख सकते हैं। और सामने हमारे अपार्टमेंट का किचन जाता है, एक फुली फर्निश्ड स्पेशियस मॉड्यूलर किचन विद इट हैज ह्यूज 7 फीट वाइड बालकनी जो फुली मॉडिफाइड है। और इस बालकनी से कनेक्टेड यहाँ पे हमारा सर्वेंट रूम में जाता है। इस रूम को यहाँ पे एंट्रेंस जाता है जो बाहर की साइड ओपन होता है और यहाँ पर अटैच हमारा फर्स्ट वॉशरूम में जाता है। मॉडिफिकेशन इंटीरियर गजब का है। ना सामने हमारा फर्स्ट बेडरूम में जाता है, सो दैट्स हाउ ब्यूटीफुल फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम में यहाँ पर एक टीवी पैनल और यहाँ पे एक वार्डरोब मिल जाता है। और सामने अटैच हमारी थर्ड बालकनी जाती है, फुली मॉडिफाइड बालकनी विद दिस व्यू। फिलहाल ये बालकनी पूजा रूम बना हुआ है। नाउ बेडरूम से बाहर निकलते हैं, चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो ही कम से ब्यूटीफुल सेकंड बेडरूम, रूम में रनिंग वाटर मिल जाता है और वहाँ पर अटैच बालकनी मिल जाती है, हमारी फोर्थ बालकनी 5 फीट वाइड विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। नीचे आपका क्लब पार्क स्विमिंग पूल का व्यू मिल जाता है और हमारे सेकंड बेडरूम के साथ यहाँ पर अटैच एक वॉशरूम मिल जाता है, हमारे अपार्टमेंट का सेकंड वॉशरूम। नाउ मूविंग टू आवर थर्ड एंड लास्ट बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट, सो दैट्स आवर मोस्ट ब्यूटीफुल मास्टर बेडरूम। बेडरूम के अंदर वहाँ पे टीवी पैनल मिल जाता है, वहाँ पर अटैच एक वॉशरूम मिल जाता है, हमारा थर्ड वॉशरूम। तो वॉशरूम के सामने हमारे बेडरूम का बड़ा सा ड्रेसिंग एरिया जाता है और सामने अटैच एक बालकनी जाती है, हमारे अपार्टमेंट की फिफ्थ बालकनी। और इस बालकनी में सामने स्टोर रूम मिल जाता है विद ऑल फर्नीचर वर्क डन और ये बालकनी आती है इस व्यू के साथ। डिमांड 2.6 ईयर, मैंने शोर है फॉल होम मॉड्यूल से नोएडा। नाउ हमारी सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो 60 मीटर रोड पे आ जाती है जो सूरजपुर से कनेक्ट करता है और इसी रोड से लगा हुआ हमारी निराला ग्रीन शहर सोसाइटी आ जाती है। और यहाँ पर एक बड़े से 3 BHK प्लस 7 रूम अपार्टमेंट है सेल के लिए विद ऑलमोस्ट 15 लाख इंटीरियर वर्क। सो लेट्स चेक दिस ब्यूटीफुल अपार्टमेंट। नोएडा की इस अपार्टमेंट को मिस मत करना अगर आप एक बड़ा 3 BHK प्लस 7 लो फ्लोर पे अपार्टमेंट देख रहे हैं सेल के लिए। फ्लोर बिलो 10, एरिया 1860 स्क्वायर फीट। एंट्रेंस के बगल में रखा है, सूरज साथ मिल जाएगा और एंट्रेंस पे डबल गेट मिल जाता है, एंड एज वी एंटर फॉर एरिया जाता है विद ब्यूटीफुल फॉल्स सीलिंग और यहाँ पे हमारा सर्वेंट रूम जाता है। एक बड़ा सा सर्वेंट रूम मिल जाता है विद डोर ओवर दिया, ये डोर हमारी यूटिलिटी की तरफ ओपन होता है। नाउ फॉर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा बड़ा सा लिविंग एरिया जाता है। इस अपार्टमेंट के अंदर मोर देन 15 लाख का इंटीरियर रखा है, ये सब आपको एज इट इज मिल जाएगा। ऊपर बड़े फॉल सीलिंग मिल जाती है और लिविंग एरिया से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा बड़ा सा डाइनिंग एरिया जाता है और वहाँ पे हमारा किचन आ जाता है। एक फर्निश्ड एल शेप का बड़ा सा किचन विद अटैच बालकनी ओवर दिया, हमारी फुली मॉडिफाइड यूटिलिटी बालकनी जाती है जो हमारे अपार्टमेंट के सर्वेंट रूम से कॉमन हो जाता है एंड कम्स विद दिस व्यू। और हमारे अपार्टमेंट के इस बड़े से लिविंग एरिया के साथ वहाँ पर अटैच एक बालकनी मिल जाती है, हमारी सेकंड बालकनी विद दिस व्यू। नाउ फटाफट अपने फर्स्ट बेडरूम को देख लेते हैं, तो दैट्स हाउ फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। बेडरूम के अंदर रनिंग वाटर मिल जाता है, यहाँ पर अटैच हमारा फर्स्ट वॉशरूम जाता है और वहाँ पर अटैच हमारे अपार्टमेंट की थर्ड बालकनी जाती है विद दिस व्यू। नाउ हमारे अपार्टमेंट के सबसे बड़े और सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं, सो दैट्स हाउ सेकंड एंड मास्टर बेडरूम ऑल्सो। बेडरूम के अंदर यहाँ पे आपको ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है और साथ में अटैच यहाँ पे हमारा सेकंड वॉशरूम जाता है। और बेडरूम के अंदर उन्होंने काफी बढ़िया टीवी पैनल बनाया है, वहाँ पर एक वार्डरोब मिल जाता है, वहाँ पर अटैच हमारे अपार्टमेंट की फोर्थ बालकनी जाती है विद दिस व्यू। सामने आपको पार्क का और यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल का व्यू मिल जाता है, सामने रोड का व्यू मिल जाता है। एक्जैक्टली ये आपकी वही डीमार्ट वाली रोड है। हमारे मास्टर बेडरूम से निकलते ही सामने हमारा थर्ड वॉशरूम जाता है जो कॉमन हो जाता है हमारे अपार्टमेंट के थर्ड बेडरूम से, सो दैट्स आवर थर्ड एंड लास्ट बेडरूम। बेडरूम में वॉटर मिल जाता है, यहाँ पर अटैच हमारा थर्ड वॉशरूम जाता है और हमारे बेडरूम के साथ वहाँ पर अटैच एक बालकनी मिल जाती है, हमारी फिफ्थ बालकनी विद दिस व्यू। डिमांड 1.54 करोड़, माय नेम इज शौरव फॉल ऑफ मॉड्यूल्स नोएडा। नाउ हमारे थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो अगेन 130 मीटर रोड पे आ जाता है। अगेन 130 मीटर रोड से जस्ट लगा हुआ हमारी सोसाइटी आ जाती है, सोसाइटी हमारी समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू हो जाती है। और आज की हमारी सोसाइटी में एक बड़ा सा 3 बेडरूम प्लस 7 रूम अपार्टमेंट आया है लोअर फ्लोर पे सेल के लिए। सो फटाफट इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। नोएडा में इस आइकोनिक टावर के अंदर एक बड़ा सा 3+1 अपार्टमेंट आया है लोअर फ्लोर पे सेल के लिए। फ्लोर 6, एरिया 1730 स्क्वायर फीट, एंड एज यू विल एंटर सबसे पहले हमारे अपार्टमेंट के सर्वेंट रूम में जाता है। फिलहाल स्टोर रूम की तरह यूज हो रहा है, साथ में अटैच यहाँ पे फर्स्ट वॉशरूम मिल जाता है। रूम से बाहर निकल के फॉर एरिया से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट का बड़ा सा लिविंग एरिया जाता है विद अटैच बालकनी, एक बड़ी सी रनिंग सिलेंड्रिकल बालकनी विद दिस व्यू। मूविंग फर्दर यहाँ पे हमारा डाइनिंग एरिया जाता है और ये बड़ा सा डाइनिंग एरिया बस इस भाई साहब के लिए रिजर्व्ड है। तो आपको एक बड़ा सा डाइनिंग मिल जाता है, सामने पैरेलल किचन मिल जाता है, एक बड़ा सा फुली फर्निश्ड रनिंग किचन विद अटैच बालकनी वर दिया, हमारी वही सिलेंड्रिकल बालकनी विद दिस व्यू। तो इनको बिना डिस्टर्ब करे मूविंग टू फर्स्ट बेडरूम जो कि सामने जाता है, तो दैट्स हाउ बिग फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम के अंदर वार्डरोब मिल जाता है और यहाँ पर अटैच एक बालकनी मिल जाती है 5 फीट वाइड विद दिस व्यू।
और यहाँ पर अटैच एक वॉशरूम मिल जाता है, हमारा सेकंड वॉशरूम जो कॉमन हो जाता है हमारे लिविंग एरिया से। नाउ अपार्टमेंट के सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं, तो दैट्स हाउ स्पेशियस सेकंड बेडरूम। बेडरूम में वार्डरोब मिल जाता है, अटैच वॉशरूम मिल जाता है हमारा थर्ड वॉशरूम, और वहाँ पर अटैच एक बालकनी मिल जाती है, अगेन स्पेशियस बालकनी विद दिस व्यू। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट एंड थर्ड बेडरूम, ये हमारा थर्ड मास्टर बेडरूम हो जाता है। बेडरूम में वहाँ पे प्यारा सा वार्डरोब मिल जाता है, और वहाँ पर अटैच हमारा फोर्थ और लास्ट वॉशरूम में जाता है, और सामने अटैच एक बालकनी मिल जाती है, स्पेशियस बालकनी विद दिस व्यू। डिमांड 1,42,00,000, माय नेम इज सौरभ, फॉलो फॉर मोर डील्स इन ऑर्डर। नाउ आज के हमारे फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, अगेन वो 130 मीटर रोड पे आ जाती है, एक मूर्ति गोल चक्र के जस्ट सामने हमारी प्रीमियम सोसाइटी चेरी काउंटी आ जाती है, और इसके अंदर एक 3 BHK अपार्टमेंट है सेल के लिए, सो लेट्स चेक दिस आउट। अगर आप नोएडा में प्रीमियम अपार्टमेंट देख रहे हैं तो इस 3 BHK अपार्टमेंट को मिस मत करना। फ्लोर 23rd, एरिया 1521 स्क्वायर फीट, एंड एज यू विल एंटर सामने हमारे अपार्टमेंट का बड़ा सा लिविंग एरिया, तो यहाँ पे हमारा डाइनिंग एरिया जाता है, और इनके साथ वहाँ पर अटैच हमारी फर्स्ट बालकनी जाती है 4 फीट वाइड विद दिस व्यू। तो ये तो हमारा बड़ा सा लिविंग एरिया हो गया, सामने हमारा किचन आ जाता है, एक बड़ा सा स्पेशियस ओपन किचन विद अटैच बालकनी वर्दी है, हमारी सेकंड यूटिलिटी बालकनी हो जाती है। नंबर 2 फर्स्ट बेडरूम, तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हो जाता है। बेडरूम में एक वुडन वार्डरोब, एक बड़ा सा विंडो मिल जाता है, एक बड़ा सा ग्लास विंडो विद दिस व्यू, और यहाँ पर एक बालकनी मिल जाता है, हमारा वही बालकनी जो हमारे लिविंग एरिया से कॉमन हो जाता है, कम्स विद दिस व्यू। रूम से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉमन वॉशरूम में जाता है, और इसके बगल में सेकंड बेडरूम में जाता है। तो दैट्स हाउ सेकंड बेडरूम, बेडरूम के अंदर एक वुडन वार्डरोब मिल जाता है, यहाँ पर अटैच हमारा सेकंड वॉशरूम में जाता है, और सामने अटैच हमारी थर्ड बालकनी जाती है विद दिस व्यू, और सामने हमारा थर्ड बेडरूम में जाता है, हमारा थर्ड लास्ट मास्टर बेडरूम। बेडरूम में वहाँ पर ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है विद अटैच वॉशरूम ओवर दी है, हमारा थर्ड और लास्ट वॉशरूम, और सामने अटैच हमारी फोर्थ बालकनी जाती है विद दिस व्यू। यहाँ से प्रॉपर पार्क का, स्विमिंग पूल का, क्लब हाउस का, सामने सिटी का भी मिल जाता है। डिमांड 1,28,00,000, माय नेम इज सौरभ, फॉलो फॉर मोर डील्स। हमारी फिफ्थ और लास्ट प्रॉपर्टी गॉसिटी 2 के अंदर जाती है, कासा वुडस्टॉक सोसाइटी के अंदर, और इस सोसाइटी के अंदर एक बड़ा सा 3 BHK अपार्टमेंट है, वो भी फुली फर्निश सेल के लिए, सो लेट्स चेक दिस आउट। नोएडा में एक जबरदस्त फुली फर्निश बड़ा सा 3 BHK अपार्टमेंट है सेल के लिए, एरिया 1712 स्क्वायर फीट, फ्लोर 17, एंड एज यू विल एंटर हमारे अपार्टमेंट का स्पेशियस लिविंग एरिया जाता है। सामान क्या क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं, तो यहाँ पर लगाई LED TV, ये शूर है, और लिविंग एरिया में लगा हुआ सोफा सेट, AC सब मिल जाएगा, और वहाँ पर अटैच हमारी फर्स्ट बालकनी भी जाती है 5 फीट वाइड विद दिस व्यू। तो ये तो हमारा प्यारा सा लिविंग एरिया हो गया, इसके जस्ट आगे हमारा डाइनिंग एरिया जाता है, अगेन स्पेशल डाइनिंग एरिया विद ऑल फर्नीचर एंड AC, और यहाँ पर हमारा फुली फर्निश्ड शेप का किचन आ जाता है विद अटैच बालकनी ओवर दी, और हमारी सेकंड बालकनी एक बड़ा सा रनिंग बालकनी जिसमें सामने रखा वॉशिंग मशीन मिल जाएगा, और ये बालकनी हमारे किचन से और हमारे डाइनिंग एरिया से कॉमन हो जाती है, कम्स विद दिस वे। नाउ बेडरूम की तरफ चलते हैं, सामने हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, तो दैट्स हाउ फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट, सामने वॉशरूम मिल जाता है, वहाँ पर हमारी थर्ड बालकनी जाती है, और यहाँ पर हमारा वॉशरूम, ये हमारा फर्स्ट और कॉमन वॉशरूम हो जाता है जो हमारे लिविंग एरिया से कॉमन हो जाता है, और इसके जस्ट सामने हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है, तो दैट्स हाउ सेकंड एंड मास्टर बेडरूम ऑल्सो। बेडरूम में आपको ये डबल बेड मिलेगा, सामने वॉशरूम मिल जाएगा, यहाँ पे TV पैनल, साथ में अटैच एक वॉशरूम मिल जाता है, और बेडरूम के साथ अटैच एक बालकनी मिल जाती है हमारी फोर्थ बालकनी विद दिस व्यू। तो दैट्स हाउ मास्टर बेडरूम, और थर्ड बेडरूम की तरफ चलते हैं, तो एकदम सो थर्ड एंड लास्ट बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। बेडरूम में ये बड़ा सा डबल बेड मिलेगा, यहाँ पे आपको रनिंग वाटर मिल जाता है, और सामने सिंगल वाटर मिल जाता है, और यहाँ पर अटैच हमारा थर्ड वॉशरूम जाता है, सामने अटैच हमारी फिफ्थ बालकनी, अगेन सुपर स्पेशियस रनिंग बालकनी विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। डिमांड बस 1,14,00,000, माय नेम इज सौरभ, फॉलो फॉर मोर डील्स इन ऑर्डर। तो ये हमारी वो पांचों अपार्टमेंट जो सेल पे अवेलेबल है, हमने आपको पांचों प्रॉपर्टी की सारी डिटेल, डिमांड और एक्चुअल कंडीशन और एक्चुअल अपार्टमेंट दिखा दिया है। तो इसमें से आपको जो भी समझ आता हो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। वैसे ये जो सारी वीडियोस आपने देखी सब हमने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है, तो अगर आपको या फिर आपके रिलेटिव को अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सेम इंस्टा ID पर। हम आपकी प्रॉपर्टी के एडवर्टीजमेंट का, प्रमोशन का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। मेरा नाम सौरभ है, मिलते हैं लोकेशन पे या फिर नए डील के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।